जी हां, विपक्ष मुक्त भारत साल 2013 के अंत के बाद से 2014 के जैसे ही शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभाओं में विपक्ष मुक्त भारत का या फिर कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया, उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब विपक्ष मुक्त भारत का हो चुका है। मगर 2014 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद में बेशतर राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव और मौजूदा वक्त में दो राज्यों के चुनावों की घोषणा, कई सारे राज्यों के अंदर उपचुनाव, विधानसभा के चुनाव, और ऐसे में एक बार फिर से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2014 की शुरुआत में आकर के फिर से देश, पार्टियां, राजनेता और आवाम भी आकर के खड़ी हो गई है और इस बात को लेकर के चर्चा हो रही कि क्या वाकई विपक्ष मुक्त भारत भी अब होने के कगार पर है। यह हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जितने भी चुनावी नतीजे इस बीच में आए, जितने भी चुनावी परिक्रमा के तौर पर या फिर चुनावी सरगर्मियों में जो चीजें देखने को मिली, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, एक मंच पर जाकर के तमाम विपक्षी पार्टियों का एक साथ हाथ खड़े करना, एकजुटता दिखाना, सारी की सारी सामने तस्वीरें आई, लेकिन जब मौका आया एक साथ चुनावी मैदान में जाने का तो फिर वही ढाक के तीन पात। जाहिर तौर पर वो पार्टियां जो अपने लोगों को लेकर के साथ में चल ना सकी, वो विपक्ष को एक साथ लेकर चल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत विकल्प देने की बात करती तो दिखी, मगर जनता ने शायद नकार दिया। तो क्या यह मान लिया जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी कामयाबी के डंके को आगे और बड़े स्तर पर जताएगी? क्या यह मान लिया जाए कि विपक्षी पार्टियां अपनी कमजोरियों, अपनी नाकामियों या फिर अपनी फेल या गैर कामयाब तरीके से जमीनी स्तर पर उतारी गई रणनीतियों को लेकर के फिर से चल रही है, क्योंकि चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसलिए आज हमने अपनी इस बहस का नाम दिया है विपक्ष मुक्त भारत। क्या ऐसा ही होगा? दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, मगर झारखंड की चुनावी घोषणा भी बाकी है, दिल्ली की चुनावी घोषणा भी बाकी है, उसके बाद आने वाले दिनों में बिहार की चुनावी घोषणा होनी है, मगर उससे पहले आने वाले दिनों के अंदर किस तौर पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे, किस तौर पर पार्टियां जमीनी स्तर पर लगी हुई हैं, वो सारी की सारी तस्वीर अगले एक घंटे में हम आपके सामने रखने वाले हैं। मगर किस तौर पर हरियाणा हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सरगर्मियां कैसी हैं, आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। ये ठीक है, अगर मान लीजिए सब लोगों को लगता है कि नहीं साहब, हम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के चलते हमारी गर्दन जो है कट रही है, हमारी ताकत जो है उभर के सामने नहीं आ रही है, आरजेडी ने किन सीटों पर घोषणा की है, क्या वहां हमारा एमएलए था, क्या हम वहां पिछले बार लड़े थे, क्या माझी जी की पार्टी लड़ी थी, इसलिए ये महागठबंधन में जिस ढंग का अलायंस हुआ है वैकल्पिक राजनीति के लिए, जनता के कल्याण की योजनाएं नहीं। लो जी, कभी मेहमान नवाजी तो आज गुटबाजी। सत्ता के सबसे बड़े रण में हार के बाद विपक्ष औंधे मुंह गिरा है, चेहरे पर शिकस्त की काली स्याही है और कभी महागठबंधन की कस्में खाकर अपने ही विरोधियों को सियासी खीर खिलाकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले अब गठबंधन को मुंह चुढ़ाकर चुनावी राह पर अकेले हो लिए हैं। सत्ता और साख के लिए नेताओं ने जो राजनीति का झूठा मुखौटा चेहरे पर ओढ़ा था वो हट चुका है। राजनीति की मौजूदा तस्वीर कुछ ऐसी ही है,
यहाँ अब तू कौन और मैं कौन सत्ता का सबसे बड़ा डॉन और इसी तरह के नारे हैं। उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजे के रास्ते पहले ही अलग हो चुके हैं, तो अब बिहार झारखंड में सत्ता के सेमीफाइनल के पहले विपक्ष बिखरा हुआ है। वहीं हरियाणा में बीएसपी और चौटाला एंड फैमिली का स्वार्थी गठबंधन एक महीने भी नहीं चल सका और मायावती जी जेजेपी को हाथ हिलाते हुए अपने रास्ते हो ली। सियासी सूरत हाल कुछ इस कदर है कि 2019 के चुनावी रण में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए जिन्होंने राजनीति रंज को भुलाते हुए सियासी फायदे के लिए हाथ मिलाया, आज वो एक दूसरे को नहीं सुहा रहे। ये उपचुनाव है, बहुत ही सीमित सीटों पर मात्र 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा है। अब इसमें कहें हमारे घटक दल के लोग, कांग्रेस की बात तो समझ में आती है, कांग्रेस जो है मान लीजिए समस्तीपुर में लोकसभा का चुनाव उपचुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के अशोक जी वहां लड़ते रहे हैं, भले पिछली दफा भी बहुत कम वोट से आ रहे हैं, वहां से सांसद भी रह चुके हैं। उसी तरह से किशनगंज का मामला था, किशनगंज के जो विधायक थे वो सांसद हो गए, वो सीट भी उनकी बनती है, हमने कहीं किस तरह नहीं किया। लेकिन अब कहें कि नहीं साहब एक एक सीट बाकी लोगों को भी, आरएलएस को भी चाहिए, हमको भी चाहिए, वो क्या नाम है मुकेश जी के पार्टी को भी चाहिए, तो ऐसा नहीं ना होता है, इस ढंग से थोड़े चलेगा। कोशिश होनी चाहिए थी गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत करके, अगर इसका फैसला हुआ रहता तो और बेहतर होता। तो मैं समझता हूँ 30 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथि है, उससे पहले काफी समय है, हम आपस में बातचीत करके इसका समाधान निकालें। वैकल्पिक राजनीति के लिए जनता के कल्याण की योजनाएं नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों अपराधियों को पोषित करने का जो राजनीतिक कुसंस्कृति है, तो उसका दुष्परिणाम सामने है। हमारी यह समझ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने महागठबंधन के घटक दलों को, चूंकि वो भ्रष्टाचारी और अपराधियों के साथ खड़े थे, तो राजनीति में जमींदोज कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र और हरियाणा में दिवाली से पहले चुनाव होने हैं, तो झारखंड और बिहार में भी चुनावी बिसात लगभग बीत चुकी है। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों की 64 सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान होगा, लिहाजा एक बार फिर बीजेपी सत्ता की बाजी मारने के लिए तैयार है। लेकिन गठबंधन की आस में जीत के आंकड़े को पास करने वाला विपक्ष आज बिल्कुल बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। चुनावी रण में अगर बात बिहार की करें तो उपचुनाव से पहले ही राज्य में गठबंधन टूट चुका है, क्योंकि हर दल 5 विधानसभा की सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, इसलिए मुकाबला मजेदार होगा। कांग्रेस ने राज्य में 5 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है, तो ऐसे में आरजेडी ने भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी भी एक एक कर सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के 5 विधानसभा सीटों नाथनगर, बेलहर, सिमरी, बख्तियारपुर, धरौदा और किशनगंज में उपचुनाव के तहत वोट डाले जाने हैं। कुल मिलाकर 2020 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में शामिल दलों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। छोटे राजनीतिक दलों के एवज पर ही बड़े दल यानी कि आरजेडी कांग्रेस ने भी अपनी अलग अलग राजनीतिक राह पकड़ ली है। माझी की हम और वीआईपी से अलग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी थोड़ी कश्मकश में जरूर है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में अब हर दल गठबंधन के रिश्तों को निभाना नहीं चाहता, लिहाजा हर कोई सत्ता की सीढ़ी को अकेले दम पर चढ़ना चाहता है। विपक्ष इतने मजबूती के साथ पूरे बिहार का दौरा हो रहा है, राज्य का दौरा हो रहा है, देखे होंगे 2 दिन पहले जम्मू गए थे, बांका गए थे, देवघर गए हैं, सभी जगह घूमकर जो है मजबूती से सवालों को उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के आवाज को दबाने का काम सरकारी तंत्र के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके कारण आम आवाम को पता नहीं चल पा रहा है। उधर झारखंड में भी एकजुट होकर बीजेपी को परास्त करने का ख्वाब देखने वाला विपक्ष चुनाव से पहले ही परास्त हो चुका है। एकजुटता की बात करने के बावजूद
गठबंधन का स्वरूप अब तक तय नहीं है। हालात ये हैं कि चुनाव से पहले ही सूबे में कांग्रेस और झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की राहें अलग अलग हैं। वहीं झारखंड विकास मोर्चा की भागीदारी तय नहीं है, जबकि आरजेडी की कोई सुन नहीं रहा, मगर उसे 10 से 12 सीटें चाहिए। इस तरह झारखंड में गठबंधन पूरी तरह बेपटरी है। उधर राजनीतिक पंडितों की माने तो झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेवीएम के साथ गठबंधन ना भी करें, लेकिन जेएमएम के साथ कांग्रेस गठबंधन के मूड में जरूर है। कुल मिलाकर कांग्रेस की रणनीति अभी भी उलझी हुई है। हालांकि कांग्रेस नेता दावे कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि जेएमएम से समझौता हो और वो 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन असल तस्वीर क्या होगी उस पर अब तक पर्देदारी है। बहरहाल सूबे में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने में महज कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अलग अलग राह पर चुनावी राह पकड़ चुके हैं। इस लिहाज से बिहार और झारखंड में गठबंधन की तस्वीरें धुंधली नहीं बल्कि काली हो चुकी है, जिसमें सियासी गठबंधन का कोई घटा जोड़ दिखाई नहीं पड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। तो ये स्थिति विपक्ष के लिए सिर्फ बिहार और झारखंड में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश जहां पर कभी साइकिल और हाथ का साथ एक साथ दिखा, तो कभी अखिलेश यादव और BSP एक साथ भी आए, मगर मौजूदा स्थिति यह है कि हर कोई एकलो चलो के रास्ते पर या फिर इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मगर हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर जो बिसात बिछाई जा रही है राजनीतिक पार्टियों के जरिए, क्योंकि सत्ता पक्ष तो मजबूती से बैठा है मगर विपक्ष उसमें जो सेंध मारी की कोशिश कर रहा है उसमें कितना दम है, ये रिपोर्ट भी देखते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, दिन तय है और तारीख भी, लिहाजा सूबे में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। 21 अक्टूबर को राज्य में 90 सीटों पर वोटिंग होनी है और 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। गौरतलब है कि साल 2014 में मनोहर लाल के नेतृत्व में BJP ने हरियाणा में पहली बार सरकार बनाई। 5 साल सत्ता पर काबिज रहने के बाद अब उसके सामने दोबारा वापसी की चुनौती है, लेकिन राज्य में विपक्ष की चिंताजनक स्थिति के बाद ये संभव भी है। दरअसल हरियाणा के सियासी कुरुक्षेत्र में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी से राजनीतिक लड़ाई का दम भरने वाला विपक्ष ही चुनावी मैदान से गायब है। धड़ों में बटी कांग्रेस बेशक हुड्डा के बल पर आगे बढ़ रही हो, मगर पार्टी के अंदर सब बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। वही चौटाला का कुंबा पहले ही अलग हो चुका है, लिहाजा इनेलो अपनी अलग राह पर है, तो JJP ने सियासी लड़ाई में शतरंज के खेल की तरह हाथी के बिना ही ढाई चाल चल दी है। दरअसल अपना पहला चुनाव लड़ रही है JJP ने, हाथी के सहारे सत्ता की चोटी को फतेह करने की योजना बनाई थी, लेकिन मायावती ने JJP के साथ नाता तोड़ लिया, लिहाजा युवा नेता की अगुवाई में ये पार्टी अकेले दम पर हरियाणा में मोदी और मनोहर की जोड़ी को टक्कर देने के लिए निकल पड़ी है। बता दें कि 1966 में हरियाणा गठन के बाद से साल 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को छोड़कर अभी तक किसी भी पार्टी ने भी यहां लगातार दो बार सरकार नहीं बनाई है, लेकिन 2014 के बाद से अब तक कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठन तक को मजबूत नहीं कर पाई। हालांकि इसी को देखते हुए पार्टी ने कुछ ही हफ्ते पहले बड़ा बदलाव कर कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष और हुड्डा को कैंपेन कमेटी का प्रमुख नेता बनाया था, मगर इस चुनाव में कांग्रेस की चुनौती पूरी तरह हुड्डा के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगी। कुल मिलाकर हरियाणा में कांग्रेस की चुनौती फीकी हो सकती है, तो INLD में फूट की वजह से कांग्रेस को BJP विरोधी वोट मिलने की उम्मीद है। INLD के दो धड़े अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में देवीलाल की विरासत पर दावा कर रहे हैं। BJP की मजबूत स्थिति के बाद बिखरे विपक्ष की योजना कितनी कारगर साबित होगी ये कहा नहीं जा सकता। उधर उत्तर प्रदेश के 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जहां योगी सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। इसी उपचुनाव को साल 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में BJP उपचुनाव के जरिए अपने राजनीतिक वर्चस्व को बरकरार रखना चाहती है, जबकि सपा बसपा और कांग्रेस उपचुनाव के जरिए अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाना चाहती है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश की 11 सीटों में लखनऊ के कैंट, बाराबंकी की जैदपुर, चित्रकूट की मानिकपुर, सहारनपुर की गंगोह, अलीगढ़ की इगलास, रामपुर कानपुर की गोविंदनगर, बहराइच की बलहा, प्रतापगढ़ मऊ की घोसी और अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में सपा बसपा की बदली राहों ने इस चुनौती को बीजेपी के लिए आसान बना दिया है, जिसका पहला उदाहरण हाल ही में हमीरपुर के रूप में देखने को मिला, जहां बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि इससे अलग अखिलेश और माया अपनी अपनी भूमिका पर आगे चल दिए हैं। ये जब से बीजेपी सेंटर में पावर में आई है, तब से इसका शुरू पहले दिन से ये रहा है कि क्षेत्रीय दल को खत्म किया जाए। यहाँ पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही इनका टारगेट रहा है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की इस जंग में प्रमुख विपक्षी पार्टियां क्या सत्तारूढ़ दल को कड़ी टक्कर दे पाएंगी? ये सवाल अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, मगर इसका जवाब आने वाले 24 अक्टूबर की तारीख को मिल जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो विपक्ष मुक्त भारत का नारा दिया था, क्या वो साकार हो रहा है? क्या महागठबंधन की आड़ में एकजुट होने वाले विरोधी दल मोदी का नाम आगे खत्म हो चुके हैं? वही सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश हकीकत में विपक्ष मुक्त हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो एक वक्त था जब कांग्रेस मुक्त का नारा दिया गया था, और अब एक वक्त है, एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जब विपक्ष मुक्त बात हो रही है। मगर क्या यह जमीनी स्तर पर संभव हो सकेगा? क्या मौजूदा वक्त में जो स्थितियां परिस्थितियां हैं राजनीतिक तौर पर, क्या वो इसी तरफ इशारा कर रही है? क्या विपक्ष मुक्त भारत भी हो रहा है, जैसा कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा भी जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में पिछले 5 वर्षों से कामयाबी के शिखर पर है। हम अपने खास मेहमानों की उनका तारुफ आपसे करवाते हैं, उनसे मिलवाते हैं, मगर उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि R9 टीवी के वो महत्वपूर्ण सवाल आज है क्या, जिनके माध्यम से हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने बिहार में उपचुनाव के सभी 5 सीटों के लिए जो फैसला किया है, ये कुछ जानकारी जो कि इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि बिहार के अंदर कांग्रेस की परिस्थिति क्या है, दूसरे राज्यों के अंदर विपक्षी पार्टियों की परिस्थितियां क्या है, और मौजूदा वक्त में स्थिति है क्या जमीनी स्तर पर। हम आपको उन सवालों से रूबरू तो कराएंगे, मगर आज R9 टीवी ये पूछ रहा है कि आखिर मौजूदा वक्त में पहले कांग्रेस मुक्त जो कि बनता हुआ दिख गया, अब विपक्ष मुक्त जो कि बनता हुआ दिख रहा है, क्या ऐसे ही होता जाएगा और एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी मजबूत से मजबूत स्थिति में पहुंचने वाली है, तो फिर इसका जिम्मेदार क्या विपक्ष खुद नहीं होगा? दूसरा सवाल ये कि आखिर बीजेपी की वो क्या ऐसे कार्य हैं जिसके बुनियाद पर जनता भी उनके साथ में मेजोरिटी जनता खड़ी हुई दिखती है। सवाल यह है कि क्या वो बड़ी कमजोरियां हैं जिसकी बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी हो या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं अपने पांव को जमा नहीं पाती। सवाल यह भी है कि ऐसी स्थिति में एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी मजबूत स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, तो क्या विपक्ष अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना रहा, या अगर बना पा रहा है तो जमीनी स्तर पर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक रहे, सांसद रहे, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में AK मिश्रा जी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में नोएडा स्टूडियो से, आपका भी स्वागत सर। महावीर तंवर जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता के हैसियत से इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। धर्मवीर चौधरी जी, BSP की तरफ से पार्टी की लाइन रखेंगे, और साथ में दिलबाग नैने जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि JJB के नेता हैं। मगर इस चर्चा की शुरुआत में आज आपसे करना चाहूंगा, हालांकि मैं चाहूंगा कि शुरुआत में एक एक मिनट में सबको दूं, अपनी अपनी बातें वो रखें, उसके बाद मैं इस चर्चा को ओपन करूंगा। मगर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपका वक्त शुरू होता है सर, 1 मिनट में ये बताइए देश को कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसी कौन सी अफीम सुंघाती है जनता को कि जनता बीजेपी से इतर किसी दूसरी पार्टी के बारे में सोचती ही नहीं, क्योंकि चुनावी नतीजे तो यही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी नशे के काम को इस्तेमाल नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति से जनता का विश्वास अर्जित कर रही है। राष्ट्रवाद पर भाजपा खरी उतर रही है। वोट की लालच में किसी जाति धर्म के चक्कर में भाजपा नहीं फंस रही है,
और जनता का विश्वास हमको अर्जित है, और ये विपक्षी दल जनता का विश्वास खोते चले जा रहे हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को खो रहे हैं और भाजपा अपने अस्तित्व को बनाए रखे। ठीक है सर, मैं सबसे एक एक कॉमेंट इस चर्चा की शुरुआत में भी लेना चाहूंगा, और इसलिए आपसे महावीर तंवर जी के एक बड़ी वजह क्या बता सकते हैं कांग्रेस पार्टी के धराशायी हो जाने का? देखिए, कांग्रेस अपनी नीतियों पर चलती है, कांग्रेस एक प्रजातंत्र पार्टी है, इसमें हर किसी को बोलने का, हर किसी को अपनी अपने सवाल पूछने का, हर सवाल कहने का सबका हक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलते हों, उस पार्टी का आगे क्या होगा? सर, चूंकि शुरुआत के इस कमेंट में मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, इसलिए सब मेहमानों से चाहूंगा कि एक एक मिनट के अंदर अपनी बात को रखें। जनता फैसला कर रही है। डॉक्टर वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूं और चर्चा को ओपन करूंगा। मैं शुरुआत में एक एक कॉमेंट सबसे लेना चाहूंगा। धर्मवीर चौधरी जी, बीएसपी आखिर है कहां? पहले साइकिल के साथ में गई, बाद में नाता तोड़ लिया, उसके बाद में हरियाणा में क्या चीज हुई, दूसरी जगहों पर क्या चीज हुई, स्ट्रैटेजी क्या है? जब्बार भाई, ये देश में जो चल रहा है, ये कांग्रेस की 60 साल की विफलताएं हैं जो बीजेपी को जो है सत्ता में लाने के लिए मजबूर करती है कांग्रेस। ये कांग्रेस ने 60 साल दलितों के साथ में, किसानों के साथ में, गरीबों के साथ में, पिछड़ों के साथ में जो जुल्म ज्यादती की, उसका परिणाम है कि सत्ता में आए। और आज अगर बहुजन समाज पार्टी इन मनुवादियों को टक्कर दे रही है, तो हमारी लड़ाई इस देश में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी है। ठीक है सर, ठीक है। दिलबाग नैने जी, झारखंड में जेजेपी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, बुनियाद क्या है सर? देखिए, जननायक जनता पार्टी जो है हरियाणा के अंदर अभी करीब एक साल से सामने आई है जी, और एक साल के अंदर जननायक जनता पार्टी ने, जो हरियाणा की जनता ने जननायक जनता पार्टी का साथ दिया है, चाहे वो किसी भी मुद्दे की बात, मतलब उम्मीद आपको है कि सबसे ज्यादा हरियाणा के मुद्दे, इंडियन नेशनल लोकदल का सब्स्टिट्यूट जेजेपी बनने जा रही है, और शायद पार्टी के अंदर बिखराव एक अलग चीज है, मगर हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपकी तरफ वापस आना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जितने भी लोग यहां पर हैं, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एके मिश्रा जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से मैं एक सवाल ले लूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ में आता हूं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जाहिर तौर पर जितने भी मेहमान यहां पर अलग अलग पार्टियों के बैठे हैं, किसी का कहना यह है कि दरअसल जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने देश को गुमराह किया अपनी नीतियों के माध्यम से, इसलिए बीजेपी सत्ता में आ गई। कोई भी आपको स्वीकार नहीं कर रहा कि आपके कार्य, आपकी वो चीजें जो देश के लिए बहुत मजबूती के साथ, इकोनॉमी से लेकर के दूसरी तमाम चीजों को मजबूत कर रही है, सब यही कह रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में या फिर सत्ता पक्ष पार्टियां जो रही हैं, उसने ऐसा काम किया कि बीजेपी को मौका मिल गया। सभी विपक्षी दल जितने भी हैं, ये सब कड़वे सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं। हमको जनता ने स्वीकार किया है, और इसलिए स्वीकार किया है जनता ने कि हमारे द्वारा किए गए काम, हमारी केंद्र की सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए गए कामों को जनता ने स्वीकार किया। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में एक असंसदीय शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, और कांग्रेस को लोकतांत्रिक पार्टी बनाया। अरे, नेहरू गांधी खानदान से मुक्त ना होने वाली कांग्रेस लोकतांत्रिक संगठन है। फिर माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को चाल दे दिया, कांग्रेस के और कोई कार्यकर्ता नहीं बचा जो वहां पर अध्यक्ष बन जाए। नेहरू गांधी जी, राहुल गांधी बनेंगे, सोनिया जी बनेंगी या प्रियंका जी बनेंगी? अरे, जब तक नेहरू गांधी, महावीर जी को भी स्क्रीन पर आया जाए, जवाब इन्हीं से लूंगा, कांग्रेस को जनता का विश्वास मिल ही नहीं सकता। और बसपा के मित्र कह रहे थे कि मनुवादी, बसपा की ताकत तो हमीरपुर में पता चल गई, तीसरे नंबर पे खिसक गई। कम से कम अपना आत्मावलोकन करो, भविष्य के लिए अपनी ताकत संजो। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ठीक है। अपने पाले पर बैठकर कबड्डी कहना, छाती पीटना, ठीक है, किसी राजनीतिक दल के। महावीर तंवर, क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा देने भर से जनता आपको स्वीकार कर लेगी? क्या सिर्फ बीजेपी के ऊपर सिर्फ एलिगेशन लगाने भर से जनता आपको मौका देगी, या आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसके बुनियाद पर जनता के अंदर या जमीनी स्तर पर जो आप चीजें खो चुके हैं उसको वापस लाएं? नहीं, देखिए, हम लोग
जमीनी स्तर पर काम कर रहे हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जिन्होंने गांव-गांव जाके, चाहे गुजरात की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, पीछे आपने देखा गुजरात में भी हमारा वोट परसेंट बढ़ा और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आई। कैसे तो ये राहुल गांधी जी का ग्राउंड बड़ा काम है। कर्नाटका आपने गवा दिया, कर्नाटका आपने गवाया कि नहीं गवाया? गोवा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद जिस राहुल गांधी की आप तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, सम्मानीय, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता है सोनिया गांधी जी के बाद में, मगर गोवा के अंदर, दूसरी जगहों पर अंदर सुस्ती की वजह से सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना सके। सर सर कहीं ना कहीं तो लूप होल है। मैं यहाँ पर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। मैं ठीक है, बात जरूर कहना चाहूंगा कि सर 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 मैं आ रहा हूँ, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है। उससे पहले मैं एक सवाल लेना चाह रहा था यहाँ पर एक मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद आकर के समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ जबानी जमा खर्च की वजह से ही दूसरी विपक्षी पार्टियां धराशायी हो रही हैं? क्या जमीनी स्तर पर अपनी सही रणनीति को बना नहीं पा रही हैं? जमीनी स्तर पर जिन चीजों पर जनता विश्वास करे उन चीजों को लेकर के विपक्षी पार्टियां, सर 30 सेकंड के अंदर एक कॉमेंट दीजिएगा, उसके बाद में मुझे ब्रेक लेना। केवल जवानी जमा खर्च नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, इनकी जो आइडियोलॉजी थी कांग्रेस वगैरह की, विपक्ष की, इनकी आइडियोलॉजी एकदम छिन्न भिन्न हो गई है, खत्म हो गई है। हर चुनाव में इनके मुद्दे अलग होते हैं। जमानी जमा खर्च भी जो करना होता है पॉलिटिक्स में, बोलना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, उसमें भी विपक्ष फेल हो रहा है। टीवी पे कोई इनका प्रवक्ता नहीं है, किसी अखबार में कहीं ये लोग बोलते नहीं है, कहीं कुछ ये करते नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या जीतेंगे? एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है कि जाहिर तौर पर जनता के बीच रहना, संवाद, जब आपने संवाद बंद कर दिया तो आप समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ना, जनता की मुश्किलों को आसान करना, ये सियासी पार्टियों और उनके नेताओं का दायित्व होता है। मगर ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि जनता से संवाद कायम ना किया जाए, जनता के हितों को लेकर के जो चर्चाएं की जा रही उस चर्चा में शामिल भी ना हुआ जाए? जवाब तैयार रखिएगा महावीर तंवर जी। तो सवाल इस बात का है कि जनता आखिर विश्वास जिन पार्टी पर कर रही है, क्या जनता गलत है या फिर विपक्ष अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए? अगर विपक्ष को जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है तो फिर विपक्ष की गलती कहां पर है? कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां कहां पर मिस कर जा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में, जिस एग्रेशन के साथ में चुनावी प्रचार हो या अपने कामकाज को लेकर के जनता के बीच जाना हो, वो कामकाज जिस पर विपक्ष सवाल उठाने की कोशिश भी करता है, उन्हीं कामकाज को लेकर के बीजेपी जनता में जाकर के उन्हीं को अपना मजबूत हथियार बना लेती है और जनता विश्वास भी करती है। एके मिश्रा जी, कैसे समझा जाए इसको? देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स जो है, स्पेशली भारतीय पॉलिटिक्स, एक बहुत डायनामिक फील्ड है और बहुत इंटीग्रेटेड जो है इफर्ट इसमें डालने होते हैं ताकि आपको सक्सेस मिले। देखिए आपकी कमजोरी आपके विपक्ष की जो है बहुत बड़ी मजबूती बन जाती है। तो जो ये कांग्रेस मुक्त या विपक्ष मुक्त हम बात कर रहे हैं, ये विपक्ष अपने आप खुद कर रही है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। कम्युनिकेशन इन लोगों को नहीं करना है, पब्लिक से संवाद इन लोगों ने बंद करके रख दिया है, किसी चीज पे ये लोग विरोध इनको नहीं करना है, अगर विरोध करना है तो एसी रूम में बैठ के प्रेस ब्रीफिंग वगैरह करके इन्होंने विरोध कर दिया। मैं इन लोगों को उतने एक्टिव वे में नहीं देख रहा हूं विपक्ष को, जितने एक्टिव वे में इनको होना चाहिए, या इनका राइवल बीजेपी जितना इफर्ट डाल रहा है। ये लोग एक्टिव कब होते हैं? 1 महीने पहले, जब चुनाव आ जाता है। तो ऐसे थोड़ी आप चुनाव जीत लेंगे। एफर्ट के साथ साथ में स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक भी क्या हो रही है महावीर तंवर जी? देखिए ऐसा नहीं है जो अभी कह रहे हैं कि हरियाणा में देख लिए माननीय अशोक तंवर जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल 5 साल 8 महीने हम लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया। अरे सर हरियाणा में देखा था विपक्ष की भूमिका, जो आपके अध्यक्ष लड़े हैं तीसरे नंबर पे आ गए, घेराव किया तो खाली कांग्रेस, तीसरे नंबर पे सुरजेवाला आए थे, आप देख लीजिए, आईना में दिखाइए, हमें खुद देखिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपको पता हरियाणा के अंदर एक क्षेत्रीय पार्टी भी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने किसी लालच के बस उनको तोड़ दिया। आप क्यों नहीं तोड़ पा रहे हो सर? जी का जो आप लोगों को मना किया है क्या? आप लोग अपने विपक्ष के ऊपर क्यों नहीं प्रहार कर रहे हो? आप विपक्ष के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आप ये देखिए
हरियाणा के अंदर अगर विधानसभा का घेराव किया तो खाली कांग्रेस ने किया माना अशोक तवर जी के नेतृत्व में। अरे सर ये कैसा घेराव है, एक कैसा घेराव है कि अशोक तवर और हुड्डा के बीच में आपसी जंग चलती रहती है, उसके बाद में सोनिया गांधी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, ये प्रहार ऐसा रहेगा सर? नहीं नहीं इसमें हमारा ठीक है, मैं छोटा सा मैं क्विक रिस्पॉन्स में, दिलबाग नैन जी पार्टी को तोड़ा आप लोगों ने, INLD को तोड़ करके JJP बनाया, क्या वाकई इसकी जरूरत थी? क्या वाकई अगर BJP से आपको लड़ना है, आप लोगों को लड़ना है, तो क्या अपने अंदर एक और धड़ा खड़ा कर देने से, तैयार कर देने से आप लोग लड़ेंगे, आप लोग सत्ता में वापसी करेंगे? अगर पार्टी बनाई है, चुनावी मैदान में गए हैं, तो क्या इसका कोई जनाधार है? आपको लगता है कि BJP के सामने टिक पाएंगे? देखिए मैं ये पहले तो आपको ये साबित कर दूं कि पार्टी जो आप कह रहे हैं भी आपने पार्टी तोड़ी है, पार्टी हमने नहीं तोड़ी, पार्टी हमारे को पार्टी से निकाला गया है। वो किसके कहने से निकाला गया, कांग्रेस के कहने से या BJP के कहने से, ये जनता जानती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे नेताजी अगर निकल गए तो वो घर पर बैठ जाए। अगर एक कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, चाहे वो राजनीति में है या बिजनेस में है, अगर उनको घर से निकाल दिया जाता है, वो दोबारा से अगर स्टैंड करते हैं, कामयाब होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। आज दुष्यंत चौटाला जी ने 11 महीने की हमारी पार्टी हुई है, 11 महीने के अंदर हम तीसरा चुनाव ये सामने हमारे खड़ा हुआ है। पहले उपचुनाव था, उपचुनाव में हमने साबित करके दिखा दिया कि हरियाणा के हम अंदर हम 2 नंबर की पार्टी में हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा जो चुनाव लड़ा गया वो कुछ राष्ट्र के मुद्दों पर लड़ा गया, क्योंकि हरियाणा सर कब तक इस आड़ में छिपते रहेंगे? राष्ट्रवाद 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 पर BJP ने चुनाव लड़ा और जनता ने उसे अपना समर्थन दे दिया। सर कुछ रियलिस्टिक बनी, कुछ असली मुद्दों की तरफ आइए, जनता के अंदर विश्वास पैदा कीजिए कि हम साहब जो कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर ठीक कर रहे हैं और आप जुड़िए हमसे। ये क्यों नहीं हो पा रहा है, यही मिसिंग है। और यही चीज धर्मवीर चौधरी जी आपसे भी है, यही सवाल जब्बर भाई। देखिए ये जो BJP है, अभी आप हरियाणा का जिक्र कर रहे थे, ये BJP जाति और धर्म और द्वेष की भावना के साथ काम करती है। हरियाणा में इन्होंने एक बनाम 35 का नारा दिया और इनका जो एक सांसद था उसने कितना द्वेष फैलाया सैनी ने पूरे प्रदेश में घूम करके, और इन्होंने वहाँ पर 30 जो है जाट समाज के लोगों को सीने पर गोली लगवा करके जो समान अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो बेकसूर थे, और उसमें तो बहुत सारे पक्ष हो गया ना, बहुत सारे लोग जो है जेल में बंद है। ये तो BSP का आपकी पार्टी का मत हो गया। नहीं नहीं मत नहीं है, ये सच्चाई है। आज हजारों बेकसूर जेलों में बंद है और ये वहां पर समान अधिकारों को दे नहीं सकते, इन्होंने गोली चलवाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए जब्बार भाई कि हम लोग जो है 10 सीटें जीत करके आए हैं, बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब उत्तर प्रदेश में हुई है। हम इन मनुवादियों के किले को तोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन चटकाने का काम जरूर हमने किया उत्तर प्रदेश में। मगर उन सीटों पर जीतने के बाद में क्या कमेंट पास किए गए आपकी पार्टी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी की वजह से हम दूसरी सीटें हार गए? नहीं, जबकि वो ये कहती है कि हमारी वजह से आप उन सीटों पर जीते। नहीं, वो एक अलग बहस है, सर। 132 वोटों से अगर हमारा प्रत्याशी हार रहा है तो ये सरकारी तंत्र को BJP वाले घुमा रहे हैं, तो BJP जिम्मेदार है, BJP वाले घुमा रहे हैं। और इन्होंने EVM में हैकिंग करके जो गड़बड़ी करने का काम किया, ये जो इन्होंने फर्जी राष्ट्रवाद की गुट्टी देश के लोगों को पिलाई है, आज देश का आम जनमानस जो है वो अपनी जान बचाने को ही विकास समझ रहा है, तो ये BJP की उपलब्धियां नहीं है। आज अगर ये विपक्ष मुक्त लक्ष्मीकांत चाहते हैं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत लोकतंत्र का सबसे काला दिन होगा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत देश से गायब होगा तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। अरे सर लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, मगर तो गायब तो आप हो रहे हैं ना, हम भी बात का सहारा लेके क्यों नहीं आप सरकार बनाते हैं? मैदान मनुवाद चिल्लाने वाले नहीं लड़ते हैं, उसके लेकिन हम BJP के खिलाफ तब भीमवाद खेलोगे, भावना का सम्मान करते हुए 80 और 85 और मायावती ने भीमवादी रेशियो 12-13 बाइलेशन लड़ने का ऐलान किया है, तो कर क्या रहे हैं? 85% भीमवादी क्या कर रहे हैं? सरकारी मशीनरी को 15% मनुवादी हाथों में चढ़ा है और 85% भीमवादी बैठ के स्टूडियो में किसी हम खुश करना चाहते हैं, यह देश की जनता देख रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। सर कब तक EVM
कब तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में इस तरह के मुद्दे उठा करके जनता के विश्वास जीतने की कोशिश जमीनी स्तर पर दिखाइए तो सही। बताइए सर, दिखाइए तो सही। कुछ स्टेटों के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव के बाद में आपसे एक सीधा सवाल है। लोकसभा चुनाव के बाद में बीएसपी ने यूपी से लेकर के दिल्ली तक क्या किया? सड़कों पर कहां देखी? क्या कुछ किया बीएसपी ने जनता के बीच में? कहां देखी सर? कुछ तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। जब्बार भाई, मैं आपको बहन कुमारी मायावती जी के जीवन और संघर्ष को अगर आपने पढ़ा हो, और मैं इसी सरकार की जिसमें जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, जब सब्बीरपुर में दलितों पर अत्याचार हुआ सहारनपुर में, तो बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली से लेकर और सहारनपुर तक रोड शो किया। सारी पार्टियों के रोड शो से बड़ा रोड शो था। दलित को आपने वोट बैंक बना रखा है, उसी के उन दलित परिवारों के बीच में स्वयं मौजूद रही। ठीक है, आज क्यों नहीं आ रही है? आज जरूरत नहीं है क्या लोगों को? डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी रिस्पॉन्स कीजिएगा सर। ये जितने विपक्षी दल हैं, ये सच से साक्षात्कार नहीं करना चाहते, और अगर मैं कहूं अन्यथा ना लें, तो ये सारे के सारे धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे हैं। ये सारे के सारे लक्ष्मीकांत वोट मिला है, 70% वोट आपके खिलाफ है। हमीरपुर में 70% वोट आपके खिलाफ है। मात्र 30% वोटों के आप जो है प्रदेश में कैसे साबित करोगे कि पूरी जनता आपके साथ है? 70% वोट आपके खिलाफ क्या है हमीरपुर में? और आप से 2019 में इसी फॉर्मूले में गठबंधन बनाया था ना कि 70% वोट हमारे साथ है। सारे लोग तो मिल गए थे कलकत्ता से लेकर के सारे प्रदेश के लोग। क्या हो गया सर? हवा हो गया? क्या हो गया? कहां बिल में घुस गए आप लोग? 70% वोट का आपने क्या उखाड़ लिया? भाषा की गरिमा का थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखें। केवल टीवी पे बैठ के भाषण दीजिए आप लोग। 70% का आपको वोट मिला है, टीवी पे बैठ के सुनाने के लिए मिला है। हटा जाए तो सरकार जो है चुनाव को एक जीत नहीं पा रहे हो आप लोग। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं सर। ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। टीवी पे बैठ के बोलने से वोट नहीं मिलता है। महल में बैठ करके आदेश देने से अपने आप को देवी बता देने से काम नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हरियाणा में सीएम साहब की घोषणाएं कितनी हुई और कितनी घोषणाएं पूरी हुई? आप ये देखिए, आप बता भाई, हरियाणा के अंदर सीएम साहब की घोषणा कितनी हुई और 5 साल में कितनी पूरी हुई? मैं एक एक करके बताता हूँ। हरियाणा के अंदर रेवाड़ी में एम्स की घोषणा हुई, मनेठी में प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की, सीएम ने घोषणा की, 1400 कुछ करोड़ रुपए पहले बजट में पास हुआ। कहां गया 5 साल के अंदर? छठवां साल शुरू हो गया, कहां गया एम्स? क्यों नहीं बन पाया वो एम्स? मानेसर के अंदर सीएम साहब ने, सर एक मिनट सुनिए प्लीज, आप एक बार सुन लीजिए। मानेसर के अंदर महिला कॉलेज की घोषणा हुई, 5 साल के बाद एक ईंट क्यों नहीं लगी? क्या क्यों नहीं लगी आप ये बताइए। बिलासपुर के अंदर हाईवे के ऊपर फ्लाई ओवर की घोषणा हुई, क्यों नहीं बनी वो? कटौती के अंदर बाईपास की घोषणा हुई, क्यों नहीं अब तक बनी? जब सीएम साहब की घोषणाएं पूरी नहीं होती तो कैसे आप कह सकते हो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया? और एक और जुबेर भाई, एक और बात बताऊं आपको, अभी आपकी एससीएस की भर्ती हुई, तहसीलदारों की भर्ती हुई, खाली 2 हरियाणा से, बाकी सब बाहर से हुए। क्या हरियाणा में इंटेलिजेंट बच्चे नहीं थे? क्या क्लास 4 में लगा डी ग्रुप की भर्ती के लिए हरियाणा के बच्चे, क्लास 1 की भर्ती के लिए बाहर के बच्चे? ये कैसे हो सकता है हरियाणा के अंदर? क्या हरियाणा में पढ़े लिखे बच्चे नहीं है? 100 चूहे खा के बिल्ली हज कर, आप अपना रिकॉर्ड देखिए। आज खट्टर साहब हर मुद्दे पे फेल है। महिला उत्पीड़न बढ़ा है, दलित उत्पीड़न बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, मानेसर में ताले लग गए हैं फैक्ट्रियों के अंदर। आप कैसे बात, आप खट्टर साहब का रिकॉर्ड निकालिए। ठीक है महावीर तंवर, तो मेरा सवाल ये कि क्या आप इंतजार करते हैं कि सत्ता पक्ष की कमियां इस स्तर पर दिखने लगे कि लोग उनसे बदजन होकर के आपकी तरफ आए? क्या आप इस बात को लेकर के बैठे हुए, तब आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे? हरियाणा में हम लोग सड़कों पे घूमे हैं, माननीय अशोक तंवर जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे हरियाणा के अंदर साइकिल से हमने लोगों को देखा है, हमने उनकी समस्या देखी है। सड़कें आज टूटी हुई है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हमने विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभाई है। हालांकि हमारी 15 सीटें आई थी, 2 हमें बाद में
माननीय कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी हमारे अंदर यूपी में कितनी सीटें हुई, यूपी में कितनी लाए? मैं हरियाणा की जरूर बात करूं क्योंकि हरियाणा में अभी चुनाव है, हरियाणा की जरूर बात करूंगा। में 11 सीटों पर विधानसभा का घेराव किया, 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, हरियाणा से शुरू किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हुआ उन बेटियों का? आज महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा है, गैंग रेप की घटना हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है महावीर तंवर जी, ठीक है लक्ष्मीकांत आप आगे सर सुन लेते हैं, सर सुन लेते हैं, हम लोग चर्चा के आखिरी में आए, सर सुन लेते हैं, एक एक हम लोगों के सामने आते रहे। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े हैं, महिला उत्पीड़न में गैंगरेप की घटनाएं बढ़ी हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हुआ है। ठीक है ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जवाब दीजिएगा इनकी बातों का, उसके बाद में मैं आता हूँ एक मिश्रा जी आपकी तरफ। जहां जहां अगर घटना हुई तो ये सड़क पे गए क्या सर? बिल्कुल, आप देखिए आपके माननीय अध्यक्ष जी का बेटा एक आईएएस की बेटी का पीछा करता और आज लोग आज तक पकड़ा नहीं गया, इससे बड़ी घटना क्या होगी? आप देखिए ना, आपका माननीय सुभाष बराला जी का बेटा और आईएएस की एक आईएएस की बेटी का पीछा करता है चंडीगढ़ के अंदर, अब तक वो अरेस्ट नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, एके मिश्रा जी ये जो चार राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, दो राज्यों की घोषणा हो चुकी है, ठीक ठीक है सर, ठीक है ठीक है, एके मिश्रा जी स्थिति में आप कुछ बदलाव देख रहे हैं क्या बीते 5 वर्षों में राज्य में के अंदर विधानसभा के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखा कि विपक्ष या विपक्षी पार्टियों ने कुछ ऐसा किया है कि सत्ता पक्ष को चैलेंज कर सके, टक्कर दे सके, जनता के बीच में खुद को मजबूती से खड़ा कर सके, आपको कुछ दिख रहा है कहीं इन चारों पांचों राज्यों? ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिल रहा है और मैं बड़ा ब्लंटली इस चीज को बोलूंगा, दुख की बात यही है कि ये चिल्ला रहे हैं बीजेपी विपक्ष मुक्त करना चाहती है देश को, मैं इनसे सहमत भी हूँ, मैं तो बोलता हूँ आप लोगों का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, लेकिन जब आप विपक्ष का होना, विपक्ष का होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, मगर जब विपक्षी पार्टी खुद अपना ही ख्याल नहीं रख पाएंगी तो उसमें मैं क्या करूंगा और बीजेपी क्या करेगी? आप लोगों को जिस लेवल पे काम करना चाहिए, संवाद किस तरीके से आप स्थापित करिए, किस किन मुद्दों को उठाइए, बीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है उसको क्रिटिसाइज कैसे करिए, रणनीति है नहीं, सोच है नहीं, आप अपने बयानों में खुद उलझ जाते हैं, आप बैकफुट पे चले जाते हैं, हालत ये होती है आज आपके जो है प्रधान ने कुछ बोला, पार्टी हेड ने कुछ बोला, 2 दिन के बाद उनको रिवर्स यू टर्न लेना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे जब सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है सर भारतीय पॉलिटिक्स की, ठीक है तो आप क्या चुनाव जीतेंगे? ठीक है धर्मवीर चौधरी जी, आप जाहिर तौर पर जो कुछ दिख रहा है आपकी पार्टी के अंदर या जमीनी स्तर पर, क्या सिर्फ आप दलित या पिछड़े वोट के सहारे कि हमारा वोट बैंक है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, क्या महज उसी बुनियाद पर आपकी पार्टी की लाइन कब तक ऐसे रहेगी? बदलाव तो लाना पड़ेगा ना वक्त के साथ साथ। जब्बर भाई 2007 में जब बहन कुमारी मायावती जी की स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज हुई थी तो मीडिया ने उसको क्या नाम दिया था? सोशल इंजिन का। बहुजन समाज पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमने माननीय काशीराम जी ने नारा दिया कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो और आज जो है हम उसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते बीजेपी वालों की तरह। और मैं माननीय लक्ष्मी 80 सीट में कितने मुसलमानों को टिकट दिया था आपने बताइए? वाजपेयी साहब बैठे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं और ये जो भाई हमारे मिश्रा जी बैठे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल 100 दिन की सरकार केंद्र में हो गई मोदी जी की, क्या एक भी बुलेट ट्रेन का ट्रैक बिछा? क्या हाईटेक सिटी की एक ईंट लगी? अरे सर यही तो रोना है, आप लोगों के लिए मैं इसीलिए रोता हूं। क्या काला धन इस देश में आया? जाने ऐसा क्या है लोगों के आए कि बीजेपी क्या नोटबंदी से इस देश में लोगों को फायदा हुआ, लेकिन तब भी क्या जीएसटी से लोगों को? अरे सर जीएसटी नोटबंदी सर आज इतने मुद्दों के साथ में ये देश की जनता करा रही है। ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर। अरे सर कब तक? चुनावी मंच नहीं है सर चुनावी मंच नहीं है, राजनीतिक मंच आपका नहीं है सर। एक सेकंड धर्मवीर चौधरी अरबों करोड़ों के ठीक है ठीक है ठीक है सर और मौज में है। ठीक है धर्मवीर चौधरी जी, मगर ये चुनावी मंच नहीं है सर ना, कि भाषण देंगे लोग सुनेंगे प्रभावित होंगे, स्ट्रैटेजीज आप लोग सही स्तर पर जो जनता जिसको स्वीकार करे सुनने के बाद भी, जनता जिनके साथ जुड़ाव अपना महसूस कर सके, वो जुड़ाव कब आएगा? महावीर तंवर जी देखिए कई बार क्या होता है
मैं माफी चाहूंगा ऐसे शब्दों के लिए। कई बार क्या होता है, जब मदारी आता है वो डुगड़िया बजाता है, लोग उस पर मोहित हो जाते हैं। ये कुछ समय ऐसा हुआ है, लेकिन जनता जान चुकी है। हरियाणा के अंदर मैं आपको आपको मुद्दों की बात बताऊंगा, आपको मैं मुद्दों की बात बताऊंगा, आपको डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। देखिए मिश्रा जी, मैं आपकी तरफ देखिए, सुनिए 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 सुनिए, महावीर धवर जी, डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटी ही माना जाता है और उसी के हिसाब से फैसले होते हैं, ठीक है। वो चाहे 50-51% हो, चाहे वो सबसे ज्यादा कम संख्या में हो, लेकिन सवाल ये है, जिन मुद्दों को आप उठाते रहे, आप विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने रफाल से लेकर के दूसरे जाने क्या क्या मुद्दे उठाए, जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। आज, क्या चुनावी नतीजे नहीं बता रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी जितनी हमारी सरकारी संस्था है उनके ऊपर कब्जा करे बैठी है, सीबीआई का उनको तो दुरुपयोग कर रहे हैं, मगर जनता आपकी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही है? यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल है सर। आप वाजपेयी जी, आप जरा बताइए, सारी बातें आपकी ठीक है, हरियाणा मान लिया जाए, ऐसा क्या कर लिया जाए कि 5 साल के अंदर जो 60,000 करोड़ कैसे हो गया? क्या कोई पावर प्लांट लगाया? क्या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लगाई? क्या कोई एम्स खोला? ये कैसे, ये जो बढ़ा 1,00,000, ठीक है, मैं सभी लोगों को रोकना चाहूंगा। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, विपक्ष ये कहता है कि साहब कुछ किया नहीं, तो सर वो नुस्खा तो बता दो, बिना कुछ किए हुए जनता को अपने साथ हमेशा जोड़े रखने का नुस्खा है क्या सर? ईवीएम की टेम्परिंग, सर नहीं, सर प्लीज, सर कहते रहे नाच ना, विपक्ष आगन टेढ़ा, हार जाओ तो बोल दो कि वहां पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है। भाई जैसे कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से पब्लिक ने 60 साल के प्रशासन को उखाड़ फेंका है, ऐसे ही जनविरोधी नीतियों से बीजेपी के प्रशासन को पब्लिक नकार देगी, आप देखिएगा, और इनको वापस जाना पड़ेगा। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बन गए हैं, क्या राहुल गांधी इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बन पाए? क्या सोनिया गांधी जी, हम ब्रांडिंग नहीं करते सर, हम सरकारी पैसे पे ब्रांडिंग नहीं करते। जब आप आज आप शोर मचा रहे हैं, जब हमारे राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, अमेरिका के राष्ट्रपति छाता लेकर उनके सामने आए थे, हमने नहीं शोर मचाया, हमने इसकी ब्रांडिंग नहीं की। मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या 370 पे विचार किया? मनमोहन सिंह जी की सरकार में आर्थिक स्थिति क्या थी? आज देश का आर्थिक आधार क्या है? आज जीडीपी कहाँ गई? आज बेरोजगारी कहाँ गई? आप देखिए मनमोहन सिंह जी से कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप। आपने ब्रांडिंग की खाली, मोदी जी की ब्रांडिंग की, भारत की ब्रांडिंग नहीं की। आप अमेरिका में करते लाखों, अमेरिका में जाके लाखों रुपए आप खर्च करते हो, भारत सरकार का लाखों रुपए खर्च करते हो, भारत सरकार का लाखों रुपए खर्च करते हो। ठीक है, महावीर तवर जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बेरोजगारी, आप आंकड़े नहीं देते हो। 370 पर पाकिस्तान के खड़े होते हैं, सर हमारी जो फोर्स पहले से मजबूत थी। ठीक है सर, महावीर तवर जी, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा, एक सेकंड, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। महावीर तवर जी, आप ये बातें कह रहे हैं, चलिए मान लिया जाए कि ये सारे इश्यूज हैं, मेरा शुरू में वही सवाल था, जनता आपकी बातों पर, विपक्षी पार्टियों की बातों पर क्या विश्वास नहीं करती है, या आपकी बातों में वो तथ्य मौजूद नहीं है? जब देश का गर्व या देश के गौरव की बात आती है तो आप कहते हो सबूत दो, तो जनता आपके खिलाफ जाएगी नहीं तो क्या करेगी? सर आप बालाकोट पर सबूत मांगते हो, आप ये कहते हो कि साहब ये सारी चीजें हुई ही नहीं है, इससे क्या आपको वोट मिलेगा? मैं इसलिए बार बार ये पूछ रहा हूं, क्या स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक नहीं कर रही है विपक्षी पार्टियां? हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी थे राहुल गांधी जी, उन्होंने सबूत नहीं मांगा, ये हमारी पार्टी लाइन थी, हम सबूत नहीं मांगते। हमने ये कहा, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, उनको जो भी कदम उठाना है हम उनके साथ हैं, पूरा विपक्ष उनके साथ है, हमने कहा था ये बात, संसद में भी कहा राहुल गांधी जी ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 370 का भी, आपका बालाकोट का भी, इसका इस्तेमाल किया, आर्मी को कभी कांग्रेस ने यूज नहीं किया, आर्मी का नाम लेके अगर पाकिस्तान के ऊपर हम कोई हमला करते हैं, हमारी आर्मी करती है। इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी आर्मी को यूज करती है, उसको वोट बैंक समझती है। हमारी फोर्स पहले से मजबूत थी, आज भी मजबूत है, उस पर कोई हमारा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि आर्मी की वजह से, फोर्स की वजह से हम लोग यहाँ हैं।
तो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा बिल को पहले भी सुरक्षित चलिए 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 ठीक है ठीक है ठीक है सर, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत माफी के साथ में आप सभी लोगों को मेरे क्रम अगर आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर मैं आप सब लोगों से एक एक मैं थोड़ा थोड़ा वक्त दूंगा कि आप लोग बताएं कि इन राज्यों के अंदर क्या क्या है आपकी पार्टियों ने जो कि बीजेपी को टक्कर दे करके सत्ता पर वापसी का आप ख्वाब देख रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी, देखिए जब्बार भाई, जिस तरीके से 60 साल के कुशासन से कांग्रेस से ये मुक्त हुआ है भारत, ऐसे ही इस बीजेपी और आरएसएस के कुशासन से जो देश की अर्थव्यवस्था है और देश में त्राही त्राही मची हुई है, इनके कुशासन से बहुत जल्द मुक्त होगा भारत। महावीर तंवर जी, महावीर तंवर जी, एक लाइन में देखिए देखिए, जैसे अभी हमारे भाई बीएसपी के प्रवक्ता जी ने कहा है कि 60 साल के कुशासन से जैसे कांग्रेस ने किया, आप जब देश आजाद हुआ तो इस देश के अंदर सुई तक नहीं बनती सर, आज हवाई जहाज तक बनते हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। आज दलित अगर इतना आईएएस बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं, तो वो कांग्रेस की देन है। ये राज्यों के चुनाव में विपक्षी पार्टियां जीत करके आ पाएंगी, ये चुनाव लड़ेंगी, हमला मचाएंगी, लेकिन 360 डिग्री अप्रोच इनका नहीं है, मजबूत नहीं है, क्योंकि बहस का अंत नहीं है, बहस का अंत नहीं। और चुनावी जो चुनावी समीकरण है वो आपके सामने आज हमने रखा और समझने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है इन राज्यों के अंदर, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पर उपराज्य के उप विधानसभा सीटों के चुनाव होने हैं, ऐसे उपचुनाव के अंदर पार्टियां कर क्या रही हैं, क्या इस स्ट्रैटेजी और इस रणनीति के साथ में पार्टियां चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, शुक्रिया सर आपका, एक मिश्रा जी, महावीर तंवर जी, धर्मवीर चौधरी जी और दिलबाग नैन जी, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लेकर के जनता तक अपनी अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि जनता ही डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर या किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे बड़ी मालिक होती है, फैसला उसी को लेना। मगर इस चर्चा के आखिरी समय आइए आपको सुनाते चलते हैं कि जनता ने क्या कुछ कहा है इन राज्यों के विधानसभा चुनाव या फिर उपचुनाव को लेकर के, इसी पर आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार। अभी तक विपक्ष का जो पहल होना चाहिए पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, इसमें सही में कहीं नहीं कमियां है, और सभी दल चाहते हैं कि विपक्ष बीजेपी को हराए। अभी जो परिस्थिति सामने लग रही है और यहाँ क्या हमको लगता है पूरे भारत की स्थिति है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मॉब बनाना चाहती है, जो उनकी परंपरा रही है, उनकी संस्कृति रही है, उनकी सोच रही है झारखंड की जनता के प्रति, कि हवा बना करके चुनाव जीतना। हमको तो यहाँ देखने में विपक्ष का नामो निशान नहीं, और जो विपक्ष है उन लोगों को कोई काम नहीं, जो सरकार अच्छा काम करते उसको भी विपक्ष लोग खराबे बोलता है, पूरा बिखरा हुआ है, जबकि विपक्ष कई साल में नहीं होना चाहिए, थोड़ा मजबूत होना चाहिए।